नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई आगे बढ़ने से पहले यार, आप सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा कमाल हो। मैंने जो है आपको लास्ट सीरीज में कहा था कि इस वीडियो पे 2K लाइक चाहिए, तो आप लोग ने जो है 1700 लाइक दे दिए, थोड़ा सा आसपास थे। लेकिन आज जो है दोबारा से एक और बार ट्राई करते हैं 2K लाइक का इस वीडियो के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बार 1700 लाइक से भी अधिक देंगे और बहुत ही जल्द जो है हम लोग 2000 यानी कि 2K लाइक तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हो जल्दी जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे जो है दो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। पहली खबर आ रही है वार्नर को लेके। भाई यहाँ पे जो है वार्नर ने फर्स्ट T20 में सेंचुरी मारी और अपनी जो है स्वागत अपने देश में काफी अच्छे से किया। लेकिन क्या आपको जो है एक बात मालूम है, वार्नर जो है 132 साल के क्रिकेट के इतिहास में वो ऐसे फर्स्ट है खिलाड़ी जिसने जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेला ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। तो भाई ये जो है बहुत ही अजीब सी बात है कि वार्नर ने जो है उनके पास बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वार्नर का चयन उनके नेशनल टीम में हो चुका था। ये जो है बहुत ही बड़ा फैक्ट है। सेकंड खबर आ रही है भाई स्टार्क को लेके। मिचेल स्टार्क जो है सेकंड T20 मुकाबला वर्सेस श्रीलंका करने वाले हैं मिस। यहाँ पे जो है स्टार्क खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि भाई यहाँ पे जो है मिचेल स्टार्क के जो भाई है उनकी है शादी, और इसी जो है शादी के चलते स्टार्क सेकंड मुकाबला खेल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो है बिली स्टैनलेक या तो फिर सीन एबॉट को मौका मिल सकता है सेकंड T20 में मिचेल स्टार्क के बदले में। अब जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भाई डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर। यहाँ पर जो है ऑफिशियली अपनी जो है BCCI उसने जो है बांग्लादेश की देश को जो है एक ऑफर दे दिया है, वो है डे नाइट टेस्ट मैच का ऑफर जो है उनके पास पहुंच चुका है। अभी जो है ये सारा खेल है बांग्लादेश के हाथ में कि उनको भारत में आके डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेलना है कि नहीं, क्योंकि जो BCCI है उसने जो है ऑलरेडी प्रपोजल सेंड कर दिया है। तो भाई अगर उनकी जो है बोर्ड इसको मंजूरी दे देती है तब भाई ये जो है भारत के इतिहास में पहली बार होगा डे नाइट टेस्ट मैच, जो कि होगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और तो इसी के साथ जो है आपको एक और बात बता दूं कि भारत में जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले भी जो है एक बार पिंक बॉल से हुआ था टेस्ट मुकाबला, जिसके अंदर जो है मोहम्मद शमी और रिद्धिमान साहब भी खेले थे। अभी जो है भाई खबर आ रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट T20 मुकाबले से, जो कि दोस्तों होने वाली है दिल्ली में। लेकिन भाई यहाँ पे जो है एक न्यूज आ रही थी कि दिल्ली में जो है फर्स्ट T20 मुकाबला कैंसिल हो सकता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हमको जो है पता है कि दिल्ली में जो है कितना पोल्यूशन है, और दिवाली के जस्ट बाद जो है और भी ज्यादा एयर पोल्यूशन हो सकती है, ऐसा जो है बोर्ड का मानना था। लेकिन यहाँ पे जो है ऑफिशियली ये बात हो चुकी है कंफर्म कि फर्स्ट T20 मुकाबला जो है एयर पोल्यूशन के चलते भी दिल्ली में ही होने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। अभी जो है भाई खबर आ रही है शाकिब अल हसन को लेके। स्ट्राइक के ठीक बाद जो है ये बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ गया था शाकिब अल हसन और उनके बोर्ड के बीच में, जहां पर जो है BCB का जो बोर्ड है उसके जो है प्रेसिडेंट नजमुल हसन ने जो है एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर कहा है कि शाकिब अल हसन जो है मोस्ट लाइकली भारत के सीरीज में नहीं आने वाले है, उनको जो है ये सीरीज से निकाला जा सकता है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो है देखा भी गया है कि शाकिब जो है उनके बोर्ड के साथ में हुई जो है प्रैक्टिस ट्रेनिंग में जो है हिस्सा ले नहीं पाए, उन दोनों के बीच में जो है टकरार और कुछ इंटरनल मैटर चालू है, जिसके चलते भाई जो उनका बोर्ड है वो साकिब को शायद से भारत ना भेजे सीरीज खेलने को लेके। तो भाई ये जो है ऑलरेडी बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है इनके बीच में, इसका जो नुकसान है कुल मिला के हो रहा है इनके क्रिकेट की टीम को। तो भाई जल्द से जल्द जो है इसको जो है सॉल्व करे और अपनी टीम को आगे बढ़ाए। अब खबर आ रही है भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके, जहां पर दोस्तों इन्होंने जो है BCCI से सिर्फ एक ही स्टेडियम मांगा है। पहले जो है इनका होम ग्राउंड था देहरादून, लेकिन वहां पे जो है इनका ऐसा मानना है, शिकायत थी कि यहां पे जो है देहरादून में 5-स्टार होटल नहीं है, जिसके चलते जो है अफगानिस्तान ने अपने होम ग्राउंड को शिफ्ट करके रख दिया है लखनऊ में। तो अभी जो है वेस्टइंडीज आएगी भारत, खेलेगी सीरीज अफगानिस्तान के साथ में, उनके जो है सारे मुकाबले होंगे उनके न्यू होम ग्राउंड लखनऊ में।
अब बात करते हैं भाई जो 1 नवंबर से चालू होने वाली है सीरीज न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 5 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है। बात करते हैं आप सभी लोग जो है इसको लाइव कैसे देख सकते हैं टीवी के ऊपर, तो भाई इसको जो है आप सभी स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 के ऊपर जो है इसको पूरा लाइव देख सकते हैं। याद रखिए स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 के ऊपर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के पूरे मैचेस आएंगे। अभी जो है भाई बहुत बहुत बधाई पीएनजी यानी कि पपुआ न्यू जीनिया और आयरलैंड की टीम को, जहां पर दोस्तों पीएनजी और आयरलैंड की टीम जो है ऑटोमेटिकली 2020 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है, वो जो है टॉप ऑफ द टेबल में रहे थे। उसके साथ जो है ये दोनों टीम्स के साथ में और भी 4 टीम्स क्वालिफाई करेगी, लेकिन उनके जो है अभी राउंड के मुकाबले चलेंगे। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है पीएनजी और जो टीम है आयरलैंड ये दोनों ऑटोमेटिकली 2020 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है, तो भाई बहुत बहुत बधाई। अब भाई खबर आ रही है डुप्लेसिस को लेके। अगर आप सभी जानते होंगे तो जो रिकॉर्ड है डुप्लेसिस का टेस्ट में टॉस को हारने का, भाई बहुत ही कम बार जो है डुप्लेसिस टेस्ट में टॉस को जीते हैं। भारत में आए और तीनों बार जो है लगातार टॉस भी हार गए और उसके बाद जो है बहुत ही बड़ा बयान दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट में जो है टॉस का सिस्टम होना नहीं चाहिए, यहाँ पे जो है जो भी विजिटिंग आती है टीम उसके ऊपर छोड़ना चाहिए उनको जो है क्या ऑफर करना है बैटिंग या फिर बॉलिंग, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है अपने हिसाब से पिच को बनाती है होम टीम, उसका जो है फायदा उठाती है होम टीम। लेकिन भाई यहाँ पे जो है फैफ का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है टॉस हारने को लेके, और इसी के चलते उन्होंने भाई बोल दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में टॉस का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। अब खबर आ रही है भाई श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की। हाल ही में जो है श्रीलंका गई थी पाकिस्तान और सक्सेसफुली और सेफली सीरीज को खेल ली, लेकिन यहाँ पे जो है एक और ऑफर जो है पाकिस्तान की टीम ने रख दिया है श्रीलंका के सामने कि तुम जो है आके हमारे देश में टेस्ट मैच की सीरीज को खेलो। तो भाई यहाँ पे जो है लगभग ये बात भी कंफर्म है कि श्रीलंका जो है दोबारा जाएगी पाकिस्तान और वहां पे खेलेगी टेस्ट मैच की सीरीज। अब खबर आ रही है भाई KPL मतलब कि कर्नाटका प्रीमियर लीग से, यहाँ पे जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक है विकेट कीपर बैट्समैन विश्वनाथ और सेकंड है बॉलिंग कोच विनु प्रसाद। तो भाई ये है वो 2 लोग जिनको जो है KPL में फिक्सिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ जो है पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके चलते एक जो है विकेट कीपर बैट्समैन जिसका नाम है विश्वनाथ, सेकेंड है बॉलिंग कोच जिसका नाम है विनु प्रसाद, दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। अब बात करते हैं भाई एक रिकॉर्ड की। यहाँ पे उसे जो है फर्स्ट T20 में श्रीलंका के गेंदबाज कसुन रजिता ने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 4 ओवर में T20 में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का। यहाँ पे उसे जो है रजिता ने 4 ओवर में कुल 75 रन दिए और ये जो है अभी तक के T20 का सबसे हाईएस्ट रन कंसीड है जो कि 4 ओवर में किसी भी गेंदबाज ने किया है 75 रन। दोस्तों ये थी आज के दिन की सारी न्यूज, मैंने आप सभी तक पहुंचा दी। आप सभी जो है इस वीडियो को ट्राई कीजिए कि 2K लाइक तक पहुंचाइए, और हाँ दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो जल्दी जो है फॉलो कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।